जो भी हमने सोच रखा है वो खराब नहीं हो जाए। दिल धक धक कर रहा है कि बस सब कुछ सही से निपट जाए, लेकिन अगर बारिश ही बहुत तेज होने लग जाए तो लोग पहुंचेंगे कैसे, तो ये चिंता हो रही है मुझे। तो फिलहाल हम आए हुए थे होंडा शोरूम में। बहुत दिनों से सोचा था कि बाइक को जो है रिपेयर करवाना है, उसका सर्विसिंग सब करवाना है, तो अभी तक करवाया नहीं था, तो आज मौका मिला है तो आए हुए हैं। और फिलहाल जो हमारी बाइक का कंडीशन है कुछ इस तरह का कंडीशन है, इस तरह का, ये देखिए, जो आपने मूवी देखा होगा ना घोस्ट राइडर, उसी का बाइक है ये बिल्कुल। यहाँ क्रियांश जो है पूरा एंजॉय कर रहा है बारिश को। 3 hours later क्या कर रहा है बोलो। दिखेगा तुम भागो जल्दी से। तो फाइनली जी हमारा बेटा जो है सो गया, और बेटा जैसे ही सोया तो उसका फ़ायदा उठाया गया, तो हम जी अपना खाना खा लिया। और मेरे खाना खाने के बाद जो है जिया जो है क्रियांश का पहरा दे रही थी, और अब जो है मेरा खाना हो गया, तो अब हम जाने वाले हैं क्रियांश का पहरा देने के लिए। उसी क्रियांश बगल के रूम में सोया हुआ है, और डैडी को तो पहुंचाने जाना ही है, तब तक इसका खाना भी हो जाएगा फिर। तो ऐसे ही करके होता है जी, घर में सभी मिल बांट करके जो है बच्चे का पालन पोषण चल रहा है। और यह जो पल है जो अभी हम लोग बिता रहे हैं अपने बच्चे के साथ, कई बार लगता भी है कि बहुत परेशानी है और बहुत अच्छा खासा मेहनत है बच्चे को पालने में, लेकिन यह जो है अच्छा भी लगता है। कई बार जब सोचते हैं कि जब यह समय बीत जाएगा, जो सब अभी हम लोग अभी बिता रहे हैं, तो याद करेंगे कि कहेंगे कि अरे यार तुमको पालने में जो है ना बड़ी परेशानी हुई है। जैसे कि हम जो है आज सुना करते हैं अपनी मौसी से, और क्योंकि हमारी मौसी ने जो छोटी मौसी है उसी ने हमें पाला पोसा है, तो बताती है कि बहुत बदमाश थे और कितना कष्ट से तुम्हें पाला है। तो यह सब सुनते हैं। और उसके बाद मम्मी जो है उन्होंने हमें देखा है कि जब बचपन में जब हम हो गए थे 6 साल के ऊपर, तो उस समय से मम्मी ने जो है हमें पाला पोसा है, तो मम्मी ने उस समय का हरकत देखा है। तो चलिए जी, अभी तो जो हमारी मौसी ने बताया है, अपना अनुभव साझा किया है, वो अनुभव हम भी ले रहे हैं अभी। और जब क्रियांश थोड़ा बड़ा होगा तब मम्मी की बातें याद करा करेंगे कि जब हम स्कूल जाते थे तो क्या क्या करते थे, वही क्रियांश का देखेंगे। क्रियांश सो करके उठ गया और मैं इसकी गोदी में बैठी हूँ। क्रियांश गोदी में बैठी हूँ, मम्मा कह रहा तो हो गया, बहुत बैठली तू, बोलो जवाब दो, बोलो। 1:30 बजे से उठा हुआ है ये। नो 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 इंडी, नो नो इंडी। आ मार दिया क्रियांश मुझे। आई लव गोवा वाला टी शर्ट पहन के हीरो बन रहा है। क्रियांश का बर्थडे आएगा, क्रियांश का बर्थडे आ रहा है, पीछे क्रियांश को बहुत गिफ्ट मिलेगा ना क्रियांश। हम लोग जब छोटे थे तो बर्थडे आता था, सोचते थे बहुत सारा गिफ्ट मिलेगा, इस वजह से खुश हुआ करते थे कि बर्थडे आ रहा है, उसके बाद खाने को बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिलेगा, केक मिलेगा। और आजकल जो है केक जो है ना कोई खाना नहीं चाहता है जल्दी, क्योंकि आजकल हर ओकेज़न पे केक मिलता है, केक कटिंग होता है। और जब हम लोगों का बर्थडे होता था तो हम लोग बहुत खुश होते थे कि गिफ्ट मिलेगा, नए ड्रेस मिलेंगे, और फिर केक खाने को मिलेगा। हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस मेरा बर्थडे आ रहा है, हेलो कर दिया, हेलो बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बाय गाइस बाय, पूछी रहो मम्मा कर दो, मम्मा कर दो, बस बाय तक। तो पति देव अभी गए हुए टेंट वाले से बात करने के लिए, और अभी तक नहीं आया, बहुत टाइम हो गया। कल हलवाई वाले भैया से बात हो गया था, और आज टेंट वाले से बात करने गए हैं। और डेकोरेशन का अभी तक हुआ नहीं है कि कैसे क्या करवाना है, तो वो भी हो जाएगा क्योंकि बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तो हम लोग आ गए हैं छत पे, और हमारे टेंट वाले भैया भी आ गए हैं पीछे, और डेकोरेशन की भी बात चल रही है। तो मैंने तो बोल दिया भैया हमको अच्छा ना चाहिए, हमारे बेटे का बर्थडे है तो कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार जो है ना थोड़ा हम लोग घर पे ही करने वाले हैं। और पीछे बातें हो रही है, और क्रियांश जो पूरा एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा भाई भी आया, भाई इसको एक बार में बुलाओ और आ जाता है, कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो दौड़ के आ जाता है, तो यही सारा काम करवा रहा है इस बार। और इधर हमारा बेटा क्या ही कर रहे हैं, कुछ नहीं बस चल रहा है तैयारी यहाँ पर। हाँ, और मेरा भाई इस बार करवा रहा है सारा कुछ, बिल्कुल। पिछली बार तो गायब था ये, और बहुत गाली भी दिए थे इसको, इस बार इसको पकड़ के रखे हैं स्टार्टिंग से। और ये हमारे डेकोरेशन नहीं, टेंट वाले भैया। हाँ, डेकोरेशन भी यही करवाएंगे, सारा इंतजाम करवा रहे हैं ये भैया। हाँ, तो इन्हीं के ऊपर है, अगर गड़बड़ हुआ तो फिर इन्हीं को पकड़ा जाएगा। और ये देखिए कितना एंजॉय कर रहा है क्रियांश, क्या कर रहे हो तुम, तैर रहे हो, पापा वॉश स्विमिंग पूल नहीं बनाए थे, घर में स्विमिंग पूल बना लिया है। एक रियाज उठो उठो ना, पूरा एंजॉय कर रहा है। तो देखते हैं, पिछली बार का तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्रियांश का बर्थडे मनाया था, अपने बजट से ज़्यादा जितना हो सकता है किया था। इस बार भी अच्छा ही हम लोगों ने सोचा है, बस देखते हैं माता रानी लड्डू गोपाल अच्छे से सारा कुछ करवा दे। उम्मीद तो करते हैं कि अच्छा ही होना चाहिए। 6.5 hours later दोपहर के बज रहे हैं जी 12:30। जी हाँ, और इस समय जो हम लोगों का खाना हो गया है और अब जो है बारी है जिया के खाने की। तो जिया का खाना चल रहा है, टाइमली खाना खा रही हूं। बिल्कुल टाइमली खाना खा रही है। और बगल में मेरा जो है फल कट करके रखा हुआ है, तो अभी तक नहीं खाए हैं। कोई बात नहीं, अभी हम खा लेंगे। और उसके अलावा जो है देख सकते हैं आज है चावल और साथ में है करेले का भरवा। आपको कैसा लगा करेले का भरवा? हमको तो अच्छा लगता है। आज बना था अच्छा। अच्छा बना था, अच्छा लगा। उसके बाद जो है यहाँ पर बन गया परवल फ्राई। ये ऐसे मेरी माँ बनाती है, ऐसे तो माँ बोली आज ऐसे बनाओ, तो सच में बहुत टेस्टी बनता है। ऐसे ऐसे माँ के जैसा बोली वैसा ही बनाया। बिल्कुल। और साथ में यहाँ जो है आलू का भुजिया मिल गया, तो क्रियांश के लिए बनता है, उसी बहाने जो हम लोगों को भी मिल जाता है खाने के लिए। और साथ में जो है आम का खट्टी मिट्टी बना। पता है क्या, आज ये आलू का भुजिया जो है, इतना कुछ करेला बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, 1.5 से 2.5 घंटा तो मुझे लग जाता है। तो आलू का भुजिया नहीं बनाए, इतना कुछ बनाना था। तो क्रियांश को जब खाना देने गए तो आलू का भुजिया नहीं था, तो डैडी कहते हैं जब आलू का भुजिया के बिना वो खाना नहीं खाता है तो तुम क्यों नहीं बना देती हो, कितना देर लगता है एक आलू का भुजिया बनाने में। तो मुझे अपने बाबा की याद आ गई। एक बार हम स्कूल से आए थे तो, और मेरे में क्या था ना कि आलू के भुजिया के बिना हम खाना खाते नहीं थे, तो मम्मी का आलू खत्म हो गया तो मम्मी नहीं बनाई, तो फिर हम रोने लगे। तो मेरे बाबा कहते हैं, मेरे दादाजी, कि एक आलू का भुजिया बनाने में क्या दिक्कत था जब ये खाना नहीं खाती है। तो तो आज सेम चीजें मेरे ऊपर घूम के आया, मैं खुद मम्मी बन गई हूँ और अपने बेटे के लिए आलू का भुजिया बनाती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था और याद भी आ रही थी मम्मी की बात। चलो बहुत बढ़िया है, तो तुम अपना खाना पीना शुरू करो। तो फिलहाल आए हुए हैं जी छत पर और इस समय हो रहा है 4:30। और इस समय जो है सूर्य देवता जो है धीरे धीरे जो है अस्त होते जा रहे हैं और मौसम जो है थोड़ा सा अच्छा भी होते जा रहा है। और फिलहाल जो है वह जो हमारा सीढ़ी घर है इसके ऊपर चढ़ा हुआ है क्रियांश। A few moments later तो अब जो है क्रियांश को वहाँ से उतारा गया। वहाँ पर जितना भी अपना पुराना कूड़ा कबाड़ा सब रखा हुआ है क्रियांश सबको जा करके फेंकना चाहता है, बस यही काम है हमारे क्रियांश का। हाँ जी, तो क्रियांश का जो है बर्थडे भी नजदीक आती जा रहा है और क्रियांश के बर्थडे को लेकर के जो है तो क्रियांश के बर्थडे को लेकर के जो है सारी तैयारी चल रही है। तो क्रियांश का जो पहला बर्थडे था जी बहुत ही धूमधाम से मनाया था और काफी अच्छे से मनाया था। और ध्यान है कि बहुत मजा आया था और जितने लोग यहाँ पर आए हुए थे किसने तारीफ नहीं की कि ये बहुत ही बेहतरीन बनाया था इन्होंने। तो इस बार कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भी जन्मदिन जो है थोड़ा अच्छा मनाए। और इस बार जो है क्रियांश के जन्मदिन में जो है जो पिछले जन्मदिन में नहीं आए थे उनमें से कई लोग जो है आपको इस जन्मदिन में भी दिखने वाले हैं। तो कौन कौन इस जन्मदिन में आ रहे हैं और कब सब आएंगे, तो वो सब जो है आपको सारा डिटेल जो है जल्दी आपको बताएंगे और सबके बारे में अपडेट की कौन कौन आने वाले हैं। और फिलहाल जो है जी बस दिल धक धक कर रहा है कि बस सब कुछ सही से निपट जाए, क्योंकि इंद्र देवता भी जो है थोड़ा बहुत बरसने लगे हैं। तो कुछ भी बस जो भी हमने सोच रखा है वो खराब नहीं हो जाए। वैसे वाटरप्रूफ टेंट सब लगाया जाएगा, लेकिन अगर बारिश ही बहुत तेज़ होने लग जाए तो लोग पहुंचेंगे कैसे, तो ये चिंता हो रही है मुझे। तो उम्मीद करते हैं जी भगवान हमारा साथ दे और हमारे बेटे का जो दूसरा जन्मदिन है वह भी धूमधाम से बने। वैसे बारिश जब किसी भी फंक्शन से पहले होता है तो हम लोग उसको थोड़ा शुभ मानते हैं, तो शायद यह शुभ संकेत ही है। देखते हैं आगे क्या होता है बाकी। तो उम्मीद करते हैं जी यह वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।